हेलो स्टूडेंट्स, फिर आ गए एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा ये टॉपिक, लेकिन हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा प्रेशर का कॉन्सेप्ट फिर से लाना जरूरी था, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था पहला जो था वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था, दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो प्रेशर था, और एक जो देखा था वो था टेम्परेचर था। तो हम लोगों ने उस पर इंडिविजुअल बात की है, और उससे जुड़ा हुआ जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें हेनरीज लॉ है, और हेनरीज लॉ को शुरू करने से पहले हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो देखना पड़ेगा, और प्रेशर का प्रभाव देखना पड़ेगा, क्योंकि हेनरीज लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेशर के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, तो हमने जो है बेसिकली चीजें लिख ली हैं पहले से, ताकि आपका वीडियो छोटा से छोटा बने। ठीक है, क्योंकि ये हमें बाद पढ़ाने समय लिखना लिखना पड़ता है, तो जो है थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस अबव द सॉल्यूशन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जरूर बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कारण है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो जो है हमारे वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक है, तो और बहुत सारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाई जाती है, शैंपेन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उसमें जो है CO2 गैस हाई प्रेशर से भरी जाती है, और जब हम नॉर्मल प्रेशर पे उसका कैप खोलते हैं तो वो प्रेशर जो अंदर डिजोल्व, जो गैस उसके अंदर डिजोल्व है वो सब बाहर एक्सपेल करती है। ठीक है, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, मतलब ये वाली जो लाइन लिखी है ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर क्या कहता है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस डिजॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। सेम बात है भाई, सेम ही तो लिखा है, चाहे आप ये कहो कि इंक्रीज, यही बात को रिपीट कर दिया है। यहाँ पे बता दिया है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस होगा किसी भी लिक्विड में वो डेट इज बिकॉज ऑफ ओनली प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि जो भी गैसेस होती हैं वो प्रेशर के अकॉर्डिंग ही डिजोल्व होती हैं किसी भी लिक्विड में। तो कह रहा है एक लाइन, द कंसेंट्रेशन ऑफ द डिजोल्व गैस, जो डिजोल्व गैस है किसी भी लिक्विड के अंदर उसी वो उसका क्या है, कंसेंट्रेशन है उसका, जो भी कंसेंट्रेशन है गैस का इसमें डिजोल्व जो गैस है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर, प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, सीधी बात है, ऑन द गैस अबव द सॉल्यूशन। जैसे सपोज दैट एक हमने बीकर ले लिया, और इस बीकर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक गैस डिजोल्व कर रहे हैं, और इस गैस को डिजोल्व कर रहे हैं भाई अब लाइन पी प्रेशर, एक प्रेशर जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं वो प्रेशर जो हम मान लो यहाँ पे गैस कोई एक्स गैस मान लो, ठीक है, वो डिजोल्व कर रहे हैं, और ऊपर से इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो पी प्रेशर के साथ गैस डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा हमारा, ये जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ इसमें क्या है, इसमें जो गैस का कंसेंट्रेशन है वो किसकी वजह से, डेट इज बिकॉज ऑफ पी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट है, जो भी मास ऑफ गैस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सीधी बात है। तो इसी बात को हेनरीज लॉ में जो है एक्सप्लेन किया गया। हेनरीज लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व, जो गैस का मास है कितना अमाउंट है, मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द मास ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन विद इन द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वेरी करता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो घट जाती है। तो ध्यान रहे क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन लिख कर लीजिए और समझने का प्रयास करिए, और अभी मैं समझाऊंगा अभी क्या कह रहा है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन।
जैसे जब आप ऊपर से, जैसे सपोज दैट आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए, तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप देखते हो कि कुछ दूर तक तो लिक्विड नहीं भरा रहता है, वहां पर कुछ एरिया में वहां पे क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक, कुछ एरिया खाली रहता है थोड़ा सा, उसमें क्या है, गैस भरी हुई। तो अगर आप उस जगह की गैस का प्रेशर मेजर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी गैस हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, भरी हुई है या फिर डिसॉल्व हुई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किसके हो रहा है, उस प्रेशर के और उस सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पता कर सकते हैं कि कितना कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर है, और एट कितने पर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए क्या लिख लिया, एम इज इक्वल्स टू के पी, और यहाँ पे जो के है वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हो गया। तो क्या है, के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, और पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो ये छोटा सा जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट था हेनरीज लॉ का, जिसमें हमें सिर्फ इतनी बात पता चलती है कि जो गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर की वजह से डिसॉल्व होती है, और गैस का कुछ भी जो भी कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो किसकी वजह से, वो प्रेशर की ही वजह से है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने, साइंटिस्ट का नाम है डॉल्टन, उन्होंने थोड़ी सी स्टडी की इसके बारे में, पहले से उसी टाइम स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या बताया कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होता है वही जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, समझो। डॉल्टन ने एक नया कंक्लूजन दिया, क्या कंक्लूजन दिया, वो पढ़ रहे थे, वो भी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने दिया कि जो मास है वो तो ठीक है, मतलब मास तो है गैस का वो तो ठीक है, लेकिन मास को उन्होंने किसके टर्म में एक्सप्लेन कर दिया, गैस के, सॉरी मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, कहा द जो है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन ए सॉल्यूशन, जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, सपोज दैट एक हमने कोई बीकर ले लिया, इसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, इसके अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन है गैस के, ठीक है, वो किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से है, जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से है। तो इन्होंने थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, और इन्होंने क्या कहा कि x is directly proportional to p, x क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और p क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, ठीक। फिर यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी, x को आप काई भी बोल सकते हो, तो जो है इज इक्वल्स टू k डैश p, ठीक। यहाँ पे k डैश क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आप देखो अब क्या हुआ, इन्होंने हेनरीज ने क्या कहा कि जो ये के डैश है इसकी वैल्यू, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं p इज इक्वल टू वन अपॉन k डैश x, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो k क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा x के, तो हमने कर लिया। और हेनरीज ने इसी को क्या बताया, वन अपॉन k डैश बराबर के एच, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट तो है लेकिन उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया, के एच, एच फॉर हेनरीज। तो ये इक्वेशन आपकी बन के तैयार हो गई, पी के एच एक्स, क्या बन के तैयार हो गई, पी के एच एक्स। और एक नया जो है डेफिनेशन तैयार हो गया, क्या नया डेफिनेशन तैयार हो गया, कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो ये पी है वो उसको क्या माना गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, देखो ये जो है पी है प्रेशर है और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। तो यहां से क्या निकल गया है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है वेपर फेज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। तो इसपे इसके बेसिस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से हमारा जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और के एच जो है वो क्या है, हेनरीज कॉन्स्टेंट है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं,
ठीक है, तब आपको बात समझ में आएगी कि हेनरीज लॉ एक्चुअली है क्या और इसको कैसे अप्लाई करना है हमारे न्यूमेरिकल्स पे। तो आप लोग शुरू से जो ये हेनरीज लॉ पढ़े उसमें आप क्या देख रहे हो कि जो भी गैस हमारे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है या गैस का कुछ भी कंसेंट्रेशन है किसी भी लिक्विड के अंदर, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर। वो किसकी वजह से? वो प्रेशर की वजह से। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो भी गैस का कंसेंट्रेशन किसी भी लिक्विड का है और कितने एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट भी कह सकते हो, तो दो चीजें आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करनी चाहिए यार। सिंपली इतनी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी गैस का कुछ भी जो भी कंसेंट्रेशन किसी लिक्विड के अंदर है या जो भी गैस डिजोल्व है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर की वजह से।